देखिए हम सजा दिए हैं और किस तरह से है कमेंट में जरूर बताइएगा। बहुत अच्छे लग रहे हैं, अब हम लोग चलते हैं जगह जगह में रखने। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते बहुत ही अच्छे होंगे। सोना चार ब्लॉग पे आप सभी को स्वागत है। तो अभी बज रहा है 10 और अभी हम लोग घर का लिपाई कर रहे हैं, खाना वाना सभी बना करके खा लिए थे और घर का साफ तो हो चुका है, सिर्फ लिपाई करना बाकी है। तो आज तो दीपावली, आज पूरी तरह से दिया जलाएंगे, तो इस चलते हम घर का लिपाई कर दे रहे हैं गोबर और मिट्टी से। उसके बाद में बाहर में आंगन में करेंगे। तो वैसे हम लोग का 2 बज ही जाएगा लगभग करते, आंगन पूरी तरह साफ किए काफी ज्यादा और पूरी तरह से घर काफी झाड़ू वगैरह पूरा किए। यहाँ पर हम गोबर मिट्टी घोर कर लिए हैं और अंदर दोनों रूम को लिपाई कर दिए हैं। तो सिर्फ मेरा बाहर वाला बचा हुआ ये ढाबा और किचन, तो किचन को भी करेंगे शुद्ध मानते हैं, लीपने से गोबर और मिट्टी से लिपते हैं तो शुद्ध मानते हैं सबसे। आज लक्ष्मी जी घर में प्रवेश करेंगे, इस तरह से लिपाई कर रहे हैं। तो अब हम बाहर को लिपाई करेंगे। ये हमारा किचन, इधर तो तीनों रूम को लिपाई कर दिए हैं और किचन रूम में अंदर किचन रूम है वहां पर तो सिर्फ झाड़ू से अच्छे साफ कर दिए हैं, वहां पर सिर्फ ईटा केवल बिछाया हुआ है। तो अब हम इधर बाहर में अच्छे से लीप लेते हैं। अब हम लिप रहे हैं आंगन को, तो देखिए किस तरह से लिप दिए हैं, काफी अच्छा एकदम सुंदर लग रहा है, मस्त से। इधर इस थोड़ा सा बचा हुआ है तो इधर को भी लिप देते हैं और भी अच्छा लगेगा। गोबर किस तरह से घोर लेते हैं। तो हम आंगन लिपाई कर लिए और नहा धोवा कर तैयार हो गए हैं। तो अभी हम लोग चलते हैं फूल लेने, तो डलसी ले लिए हम। वैसे तो हम लोग आंगन में है लेकिन उतना खास नहीं, थोड़ा बहुत है, तो इस चलते सोच रहे हैं कि अच्छा वाला फूल लेकर आएंगे। अचार को भी तैयार कर दिए, देखिए किस तरह से इसका गजरा बाल में लगाई है। चलो तो आ गए हैं फूल लेने, तो तोड़ लेते हैं। यहाँ पर काफी अच्छे अच्छे फूले हुए हैं, देखिए, तो ज्यादा नहीं लगेंगे, बस थोड़ा सा में हो जाएगा। तो देखिए इतना सा हम तोड़े हैं, बस हो जाएगा, ज्यादा नहीं, इतने ही में। तो चलते हैं अब घर। तो अब हम फूल को देखिए इस तरह से गांथ रहे हैं, 2 हमने डाल दिए हैं सुई सूता से, इस तरह से कर करके डालेंगे। तो माला को देखिए इस तरह से फूल को गांथ लिए हैं और काफी अच्छा सुंदर लग रहा है, एकदम ताजे ताजे फूल का हमने बनाया है। और ये फूल जो है बड़ी मम्मी का घर से लाए हैं, हम लोग का भी आंगन में है लेकिन ये छोटा वाला है, तो इस चलते, और उन लोग का थोड़ा बड़ा बड़ा वाला है, तो इस चलते यहाँ पर हम अब हम टांग देते हैं, गांथ लिए हैं तो टांग देते हैं। तो ये जो धागा है धागा को नहीं हटाएंगे और ये नजर गुजर वाला है, तो इस चलते इसको रहने दे रहे हैं, छोड़ देंगे इसी पर, सिर्फ इसको अच्छे से सजा कर टांग देंगे यहाँ पर। देखिए हम सजा दिए हैं और किस तरह से है कमेंट में जरूर बताइएगा। यहीं पर बोल हम लोग का टांगा हुआ है तो अच्छा बरेगा। तो देखिए सजा दिए हैं, मस्त लग रहा है हमको, और आप सभी को कैसा लग रहा है कमेंट में जरूर बताइएगा। फूल को हम टांग दिए हैं दीवार पर, मतलब कि दूरे पर, और यहाँ पर अब हम दिए को फुला लेते हैं।
क्योंकि इसको सूखा हुआ रहता है, इसको अगर हम फुला लेंगे तो तेल जो है कम टिनता है, ज्यादा नहीं सूखता है तेल, इस वजह से इसको फुलाना पड़ता है इस तरह से। देखिए इसका आवाज किस तरह से बुलबुले आ रहे हैं। इसको अब हम फुला दिए हैं, ये फूलते रहेगा ये 5 मिनट तक, तब तक हम चलते हैं आंगन में रंगोली बनाने। दोस्तों सोना जी उधर दीपक को गमले में करके फुला दिए हैं और अच्छे तरीका से फूल भी रहा है। उसके बाद में वो वीडियो पे नहीं आएंगे क्योंकि थोड़ी सी बात में उनका देखते हैं ना, हमेशा घमंडी भरा हुआ रहता है। तो ऐसा कोई बात नहीं है, दीपावली मेरा घर में है और हम मनाएंगे ही। सोना जी करें या ना करें वीडियो कंटिन्यू, हम करेंगे। रंगोली बनाने खोज रही थी कुछ दूसरा टाइप से, तो हम अपना तरीका से बना लिए हैं इस तरह से। और बाकी बात सारे वीडियो में हम ही रहेंगे, वो नहीं रहेंगे। वो अपना खाना पीना बना रही है, बस उसका खाना पीना ही बनाना काम है यही तक। इसीलिए बोला जाता है औरत का चूल्हा चौका ही काम अच्छा है, ज़्यादा छूट दे देने से उन लोग का ही होता है, बस मुँह फुला लेना, ठीक है। तो अभी थोड़ी देर के बाद में बेरा डूब जाएगा, अभी बस रंगोली बनाए हैं, उसके बाद में सारा काम हम करेंगे आगे। तो अभी कोई भी दीपक नहीं जलाया है, थोड़ी देर के बाद में जलाएंगे सारे गांव वाले, तो हम जलाएंगे। हम भी थोड़ा गुस्से में ही बोल रहे हैं, तो ब्लॉग पे कंटिन्यू बने रहिएगा, हम ही लास्ट तक ब्लॉग को कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों फुलाया हुआ कम से कम 1 से 1.5 घंटा हो चुका है, तो अच्छे से फूल गया है और देखिए एक भी बुलबुले नहीं आ रहे हैं। तो अब इसको हम लोग निकाल के रख देंगे, नहीं तो फिर तेल भी डालेंगे तो चढ़चढ़ाहट से आवाज़ आएगी, इसलिए इसको सबको निकाल निकाल के इस तरह से करके मम्मी रखने बोल रही है नीचे तरफ मुँह करके। तो सभी को हम इस तरह से करके रख देते हैं, ऐसे इसी प्रकार से सभी को रखते हैं। पानी भी गर जाएगा और मेरा जो काम था वो भी हो गया। तो दोस्तों देखिए इस तरह से हमने एकदम सजा के 2 दर्जन हमने लिए हैं, तरक दिए हैं, सभी पानी गर जाएंगे थोड़ी देर में। अभी बच्चे लोग खेल रहे हैं, तभी ज़्यादा अंधकार नहीं हुआ है, इतना हुआ है, ज़्यादा नहीं हुआ है। और चारू सो गई बहुत जल्दी, देखिए सोना जी वहाँ पे सुला रहे हैं और अपना खाना भी बना रहे हैं इधर। चारू से घूमने हम लोग पुराना घर तरफ आए हैं, देखिए भैया यहाँ पे शुभ लाभ इधर में, और इस तरह से फूल लगा दिए हैं और इधर दीपावली भी लिख दिए हैं लाभ भी, और अगरबत्ती सब भी जला दिए। तो अभी हम लोग का एक देव दिया जलता है, सभी घर में होता है देवता सब, वो जलेगा तो ही ये फोटो सब लगा दिए हैं, देखिए पूरा अच्छे से। और अभी उसका अंदर में वहाँ पे हम लोग का कुछ होता है, सबका घर में होता है देवी देवता सब। अरे यहाँ पे प्रिया बना रही है खाना, क्या है ये पूड़ी? पूड़ी बनाता है, पूड़ी बन रहा है। और अभी जब तक वहाँ दीपक नहीं जलेगा ना, तब तक हम लोग का नहीं बनेगा ना गुडो, तब तक जलाने ही नहीं बनता है। देखिए मड़ई का बगल में यहाँ पे देखिए मेन पूर्वज का मंडप यही है, यहाँ जलेगा, उसके बाद ही हम लोग दिया जलाएंगे, इस जगह भी बनाया हुआ है। तो दोस्तों हम लोग पुरान घर तरफ से घूम के आ गए और हम लोग का देव दिया भी बड़की मम्मी बार दी, और अब हम लोग अपना चलते हैं बाहर ने। चारू सोई हुई थी लेकिन उठ गई और हंस रही है दादी देख देख के। तो हमने यहाँ पे इस तरह से दिया सजा लिए हैं और तेल भी यहाँ पे निकाल लिए हैं और बत्ती भी। तो सभी में सबसे पहले हम तेल डालेंगे, देखिए 2 दर्जन दिए थे हम लोग का, और बाबू यहाँ पे है और चारू की मम्मी तो खाना बना रही है। तो सभी में हम देखिए इस तरह से करंज का तेल नोड़ लिए, उसी से हम लोग करते हैं और पूर्वज से ही इसी तेल से किया जा रहा है। तो सभी में डाल लिए, चारू पूरा ध्यान से देख रही है, बचपन के बाद में अबर ख्याल से देख रही है। तब हमने रुई बत्ती को यहाँ पे डालेंगे, एक साथ जलाएंगे। अब हमने सभी में यहाँ पे देखिए डाल दिए रुई बत्ती, एकदम पूरा फूल कर दिए हैं और सभी भीग गया है। अब हम लोग जलाएंगे, मम्मी डाल दे रही है इस तरह से कर करके, तो पूरा हाथ में ही लग जाएगा। ऐसे तो लगेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इससे आसानी से होता है, तो आधा तेल तो उंगली में ही लटक जाएगा ना चारू। चारू रुई उई लेके पूरा खेल रही है ना। माचिस लेकर बाबू, लेकर माचिस तब न जलाएंगे, जल्दी लेकर। तो मम्मी जी से दिए पक को जलवा रहे हैं, नहीं रोक डो, फटेका नहीं फोड़ रहे हैं। यहाँ पे पहला दिया मम्मी जला रही है, देखते हैं एक बार में जलता है कि नहीं। जल गया एक, और दूसरा वाला जला रहे हैं अभी, ये भी जल गया, तीसरा वाला ये भी जल गया, धागेगा मम्मी को धागा। तब हम लोग इसी तरह करके सभी को जला लेते हैं। दोस्तों हम लोग दीपक को देखिए पूरे तरह से जला लिए और 2-3 बाकी है, बाकी बस सभी जल गए, बहुत अच्छे लग रहे हैं। अब हम लोग चलते हैं जगह जगह में रखने, एक जगह नहीं रखते हैं,
चारों तरफ घुमा घुमा के रखते हैं। मम्मी रखेगी सबसे पहले, कहाँ लेके रखती है, मंडप में जो हम लोग का बजरंगबली का झंडा है ना, वहाँ पे रखेगी। चलिए मम्मी। तो मम्मी यहाँ पे रख रही है, हम लोग का बजरंगबली का झंडा इसी जगह पे रहता है। और ये छोटे छोटे सब जो है, सभी को देव मानिए तो नहीं तो पत्थर, इस टाइप से बोलते हैं ना, तो सभी हम लोग का किया गया है। तो पहला रखा गया, हम लोग सभी जगह रखेंगे, इधर रंगोली सब में भी रखेंगे और इधर इधर डूढ़ी में रखेंगे। हाँ, तो हम लोग चारों तरफ दीपक जला दिए, इस तरह से पूरे जल गए हैं, रंगोली में भी जला दिए, मड़ई में भी फर्स्ट टाइम में, और इधर भी जल गए। ज़्यादा दिया नहीं लाए थे, इतना ज़्यादा लाएंगे तो भी नहीं पूरेगा, तो दो दर्जन था तो इतना जल गया। और अब हम लोग कोई नहीं रखेंगे, चारों थोड़ा सा मिलाते हैं। ये दीपावली में क्या कर रही है, रोटी बना रही है और रो रो के, और सोने के चक्कर में अभी तक इसका मूड खराब इसका भी है ना चारू, ये भी रो रही है। तो चलिए ब्लॉग को हम इतने रखते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।